राज्य प्रशासन के अधिकारियों की जांच टीम बालाजी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर स्टाफ द्वारा अभद्रता की गई और मरीजों के परिजनों ने मिलकर हंगामा खड़ा किया। इसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस टीम पहुंची, मामले की गहनता से जांच की गई। आपको बता दें कि शहर के बालाजी हॉस्पिटल के द्वारा मनमाना पैसा वसूलने और कोरोना मरीजों की सही जानकारी न देकर गलत देने आदि की लगातार शिकायतें कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के पास पहुँच रही थी। इसे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिससे इस पूरे मामले में गुरुवार को कलेक्टर ने जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी। इसी को लेकर आज बालाजी हॉस्पिटल में जब SDM और नगरपालिका अधिकारी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर सभी मरीजों के परिजनों ने मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। हॉस्पिटल पहुंचे प्रशासन आला अधिकारी द्वारा गहराई से जांच की गई। इस संबंध में SDM अंकिता जैन ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जांच टीम के साथ अभद्रता की गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध हैं जिनका लाइसेंस भी नहीं है और चीज़ों का रिन्यूअल होना बाकी है। उनके रिकॉर्ड के लिए और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अमले से स्टाफ द्वारा अभद्र व्यवहार करने में आखिर किसकी भूमिका मजबूत है? क्या हॉस्पिटल के संचालक द्वारा कर्मचारियों को इतनी छूट दी गई होगी? ये बड़ा सवाल है। कि आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन पहले भी इनके द्वारा लाइसेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। आज इसी के संबंध में जब हमारी टीम यहाँ पर जांच करने के लिए आई, जब भी उसके साथ अभद्रता की गई, इसीलिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन इनके कुछ कलेक्ट किए, कुछ डॉक्यूमेंट भी लिए हैं। जैसा कि प्रारंभिक रूप से देखने में समझ में आया कि कई लाइसेंस इनके पास नहीं है, कई रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो इन सब डॉक्यूमेंट ले लिए और आगे किस तरह जांच करें। देखी गई अभी जैसे नगर पालिका के अकॉर्डिंग इनका आवासीय का है, तो वो हम किस तरह जाँच करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके पहले। गुना से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।